क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि फॉर एक्स बिलोंगिंग टू रियल लेट वाई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन सच दैट वाई टू की वैल्यू 7 है, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन वाई एक्स क्या होगा, इसके बारे में बताना है। बहुत आसान क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपका टॉपिक आपके सिलेबस में है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का आपके सिलेबस में है। क्वेश्चंस एनसीईआरटी का जो बच्चा अच्छे से किया है, 11 12 का बोर्ड का तैयारी किया है, वो भी इस क्वेश्चन को कर सकता है। ठीक है, सवाल क्या है? सवाल है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव डी वाई बाई डी एक्स माइनस टू एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव का होल स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले हम फॉर्मेट लिख लेते हैं कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट क्या होता है। तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब पी एक्स एंड क्यू एक्स टाइप का होगा। इस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स हो जाता है। सॉल्यूशन जो होता है सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, इतने कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो फिर इसका मतलब तैयारी अच्छा नहीं चल रहा है, समझ रहे हो? तीन चार बातें हमने एकदम जिस्ट लिखा है और ये आपके कॉपी में लिखा होना चाहिए। इवन कॉपी में ही नहीं, आपके माइंड में एनी टाइम इंसर्टेड होना चाहिए, तब आप जे एडवांस के लिए एक्चुअली एलिजिबल हैं। अदरवाइज आप एग्जाम में बैठ के आपको फॉर्मूला याद नहीं है, फिर कैसे सवाल होगा? पहले से ये सब ट्रेनिंग करके रखना है। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करना है, सीधा डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू निकालना है। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा सर, माइनस ऑफ टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ टू एक्स टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, खत्म। ठीक है, अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा है क्या, क्या नजर आ रहा है? तो प्लस माइनस आप कर दो इधर, ये चीज हो गया हमारा पी एक्स और ये चीज जो हो गया हमारा क्यू एक्स। तो भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर सर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ किसका, इस वाले चीज का पी एक्स का, मतलब माइनस टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव डी एक्स। ठीक है, इस चीज का हमने इंटीग्रेशन यहां निकालना है। कितना हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा e की पावर माइनस ऑफ एल एन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस फाइव का डेरिवेटिव टू एक्स होता है, तो इसका एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स फॉर्मेट बन रहा है, तो एल एन ऑफ एफ एक्स हो जाएगा, तो एल एन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव हो जाएगा। अब ये माइनस है, ये माइनस अंदर जाएगा तो वन बटा वो हो जाएगा, है ना, मतलब इसका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव, वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा सर, सॉल्यूशन जो हो जाएगा, तो सॉल्यूशन जो हो जाएगा, सॉल्यूशन को मैं अब यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इज इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ q, q कितना दे रखा है माइनस टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव dx, मतलब इससे कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्या बनेगा y अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी हो जाएगा। ठीक है, दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस वेरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है वाई एक्स का, वाई वाई एक्स पूरा अच्छे तरह से पहले निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, इस c की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। c का वैल्यू कैसे निकाले, y2 बराबर 7 दे रखा है, मतलब 7 बाई 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ 4 प्लस सी।
मतलब माइनस ऑफ 7 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 प्लस सी, सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 3, सी की वैल्यू क्या हो गई माइनस 3, तो यहाँ पे हम लोग सी के जगह पे माइनस 3 जो है तो चिपका सकते हैं। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है, इस वाई का ही तो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वाई कैसे निकालेंगे, तो वाई को थोड़ा ढंग से अब लिख दीजिए ना सर, वाई बराबर सर क्या हो गया, ये वाई बराबर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3, माइनस को अगर कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा सर एक्स 4 हो जाएगा, माइनस ऑफ 2 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स स्क्वायर तो माइनस 2 एक्स स्क्वायर, और माइनस 5 इंटू प्लस 3 माइनस 15 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप स्क्वायर को कंप्लीट करें तो क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 16, एंड दैट विल बी इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि वाई एक्स की जो वैल्यू होगी सो दैट विल बी 16 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसी का तो वैल्यू हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है ना, सो फॉर वाई एक्स टू बी मैक्सिमम, टू बी मैक्सिमम एक्स स्क्वायर माइनस 1 मस्ट बी 0, तो जब 0 होगा तो कौन से पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो भी पता चल जाएगा, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू वाई मैक्स की जो वैल्यू होगी सो दैट विल बी इक्वल टू 16, प्लस माइनस 1 यहाँ पे आप पुट करेंगे तो आपका आंसर 16 आएगा, इसका आंसर 16 हो जाएगा। ये क्वेश्चन क्या था, कुछ भी तो नहीं था, जी एडवांस का क्वेश्चन पूछा है, इसी साल 2023 का क्वेश्चन है, पर आप सोच सकते हो कि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो आप नहीं सोच सकते थे, जस्ट आपको फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना था, जो ये होता है आपका dy by dx plus py is equal to q, और इसका सॉल्यूशन भी आप जानते हैं y into if बराबर q into if का इंटीग्रेशन। तो आपने कुछ सीखा है इस क्वेश्चन से, आई होप सो, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी जो वीडियोज हम लोग बना रहे हैं आप तक पहुँचे, अपने फ्रेंड्स तक आईटी फैक्ट्री को शेयर कीजिए, और अगर आपको कोर्सेज ज्वाइन करने हैं इस ढंग से, अगर क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, अप्रोच को एकदम रॉक सॉलिड बनाना है, कहीं किसी क्वेश्चन में नहीं फंसना है, तो आईटी फैक्ट्री आप ज्वाइन करके आप अपने प्रिपरेशन को एक नया एज दे सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10।